जी मैम, आप कहाँ से आ रहे थे, क्या घटना हुई? हाँ, तो बुद्ध बाजार से ले रहे हम जी, क्या घटना हुई थी? बस वहाँ से आए थे, हमें चूड़ी ली थी हमने हाथ की जी, गंज से, वही पीछे से वो हमारे पीछे ही लग गए। तो आपके पास पर्स था, पर्स के जो है किस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम? पर्स ऐसे पकड़ा था स्कूटी पे, वो छीनने को मैंने कस लिया, तो एकदम वो छीना नहीं गया, मैं नीचे गिर गया एकदम। तो गाड़ी तेज चला के ना खींचते रहे मैं पर्स, तो काफी दूर तक मैं गिरी, खून बहा इतना मेरा। किस कलर की गाड़ी थी और कितने लोग थे? दो लोग थे, काले कलर की गाड़ी थी उनकी, जो ऊपर नीचे, ऊपर से ऊंची थी और नीचे बैठी हुई थी, और सफेद शर्ट पहनी थी उस लड़के ने, अच्छे घर के लड़के बहुत थे। अपनी बहन के घर गए थे उनका करवा चौथ का सामान देने जी। वापस आते वक्त हम लोग दोनों स्कूटी पे थे, 10:30 का टाइम हो रहा था, और अचानक से पीछे से बाइक से आया और मम्मी का पर्स छीनने लगे। मम्मी ने पर्स दिया नहीं तो मम्मी को भी पर्स छीनने के साथ घसीटते हुए ले गए। कितने लोग थे बाइक पे? दो लोग थे। कितनी दूर तक मतलब घसीटते हुए ले गए थे बाइक बस से? थोड़ा सा ही, मतलब जब पर्स छीन गया तो मम्मी आगे तक घसीट के नीचे गिर गई बड़ी तेज। आपने शोर भी मचाया, कोई वहाँ आसपास था? कोई कोई नहीं था, जब थोड़ी देर बाद मतलब 2-3 मिनट निकल गए, उसके बाद कोई आया। पुलिस को सूचना दी तो पुलिस आई थी? पुलिस तो हॉस्पिटल जब पहुंच गए थे उसके बाद किसी और ने सूचना दी थी, तब आई थी। क्या लगता है जिस तरीके से यहाँ घटना है, आपको लगता है कि सड़क पे आप लोगों का निकलना क्या मतलब किस तरीके का, मतलब डर भी लगता होगा आप लोगों को जाते हुए? अब तो लगेगा ही डर रात के वक्त निकलने में, पहले तो हम लोग निकल ही जाते थे, अब तो सोचना पड़ेगा 9 बजे के बाद भी कि निकले ना निकले, घर से ही ना निकले। किस मतलब कौन सी गाड़ी थी, किस टाइप के वो लड़के लग रहे थे आपको? जैसे बहुत महंगी वाली बाइक थी, और लड़के ऐसे इतने अच्छे घर के लड़के लग रहे थे कि सोच भी नहीं सकता कोई इंसान ये पर्स चुराएंगे, अचानक ही पास आके पर्स छीनने लगे। किस कलर की गाड़ी थी? गाड़ी का कलर वगैरह मुझे याद नहीं है, ब्लैक थी शायद। हमारे यहाँ पे कुछ लूटे हुई थी जिनमें चेन स्नैचिंग मेन थी, पर्स को लूटा गया था। इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए जगह जगह पे बैरिकेड लगा के सघन चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा बहुत सारे अधिक हमारे अलग अभियान चल रहे हैं, जैसे जुआ और सट्टा, जिसके ऊपर जगह जगह पे जाके दबिश दी जा रही है और पूरी तरह से इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। ये एक निरंतर अभियान है।